चलो ये तो सो गए, इनको तो मैंने डांट फटकार के एक आध थप्पड़ लगा लगा के ये तो सुला दिया। तो अब दिखाती हूँ मैं आप सबको बाहर के क्या काम चल रहा है, कैसे सड़क बन रही है और कैसे क्या हो रहा है। इतनी कड़ी धूप में और इतनी तेज़ धूप निकल रही है ना कि मैंने जब खिड़की खोली थी कि मुझसे नहीं देखा गया बाहर, इतनी तेज़ धूप थी। और ये देखो ऐसे लगे पड़े हुए हैं भैया, सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। और औरतें भी हैं, दो लेडीज़ हैं वो भी काम कर रही हैं, और छोटा छोटा सा बच्चे लेकर आई हैं अपने। वहाँ पेड़ के पास आपको शायद दिख भी रहा होगा एक छोटा सा झूला पड़ा, ये देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। उसमें एक छोटा सा बच्चा है, मुश्किल से होगा कुछ यही 6-7 महीने का, बताओ। छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं काम पर। और इस साइड जो है ये बंद कर दिया रास्ता, क्योंकि आने जाने वाले लोग जो है ना चैन नहीं लगने दे रहे, मतलब बनाने नहीं दे रहे, कहीं कोई गाड़ी वाला कहीं कोई गाड़ी वाला, और मानते हैं नहीं है और निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से वो बंद कर दिया है। और यहाँ पर तो ये काम चल रहा है, तो मैं अभी देखती हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ काम करना है अभी। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इनको तो सुला दिया है मैंने मार पीट कर। और हाँ, मैं आई थी किचन में, मैंने कहा किचन में बात करती हूँ, क्योंकि कमरे में कूलर चल रहा है और आपको मैंने बाहर दिखाया ना, इतनी कड़ी धूप में जो है ईंटें बिछरी हैं, काम चल रहा है सरकारी काम, और छोटे छोटे बच्चे लेकर आई हैं लेडीज़ जो कि काम कर रही हैं जो, और उन्हें गर्मी नहीं लग रही क्या? उन्हें धूप नहीं लग रही, इतनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़ सच में। और मैंने बनाई है सबसे पुरानी चीज़ जो कि मेरा मन कर रहा था खाने का, वो मैंने कल भी खाया था और आज भी मैं बनाने बैठ गई। और टाइम बता दूँ तो अभी 4 बज गए होंगे शाम के, फिर भी दोपहर तो है ही है ना। हाँ, 4 बज रहे हैं अभी। और मैंने यहाँ पर बनाए हैं चीनी का पराठा जो कि बहुत पुराना है, सबने खाया होगा, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे सबने, हम लोगों ने सबने खाया होगा छोटे पे। मैंने तो सच में ही बहुत खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं बार बार देख भी रही हूँ कि कहीं बंदर ना आ जाए, कहीं बंदर ना आ जाए। आप सबको पता है बंदर कितने हैं ना, हद से ज़्यादा बंदर हैं यहाँ पर। और मैंने अपनी फुंसी ये जो है अभी अभी मैंने दोपहर में फोड़ दी पूरी, और ज़्यादा मैंने फोड़ दी से बैठी बैठी, लेकिन अब इतना दर्द महसूस नहीं हो रहा, हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बने हैं चीनी के पराठे, ये देखिए है ना, लग रहे हैं मज़ेदार। हाँ, मज़ेदार तो लगेंगे क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, और जिसे जिसे अच्छे लगते हैं उन्हें भी मज़ेदार लगने वाले हैं और अच्छे लगते ही हैं, और जो नहीं खाते तो उन्हें कहाँ से लगेंगे भाई। और मेरे यहाँ पे कितना सारा सामान टंगा है ना पीछे, बहुत सारा। तो चलिए फिर चलते हैं खाने के लिए। और ये सबको नहीं अच्छा लगता, ना नकुल को अच्छा लगता और ना इनको ज़्यादा अच्छा लगता, मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता सच में। तो चलिए आज का मौसम और दिखाते हूँ। अभी इतनी तेज़ धूप थी ना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, उसके आधे पौन घंटे बाद इतना अच्छा मौसम हो गया, बिल्कुल धूप गायब हो गई। अब इन्हें ठीक लग रहा होगा, काम करने में आसानी से जल्दी हो भी जाएगा। और धूप तो बिल्कुल ही चली गई, और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, हद से ज़्यादा अच्छा हो रहा है। धूप बिल्कुल चली गई, और ऐसा मौसम गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और एक पराठा बनाया था मैंने, वैसे तो 2 बनाए थे, एक भांजे के लिए एक अपने लिए, तो एक से मन नहीं भरा तो मैंने दूसरा भी बनाया है, अभी रखा है, क्योंकि चीनी का पराठा जो है ना थोड़ा सा ठंडा होके खाओ ना और करारा सा हो जाता है, तो बड़ा गजब का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा ठंडा करके ही खाया अगर खाना हो तो। और बर्तन पड़े सिंक में बहुत सारे, और ये डिब्बा रखा था साफ़ करने के लिए काफ़ी दिन से अचार का, तो मैंने सोचा कि गर्म पानी करूँगी जब करूँगी साफ, लेकिन आज टंकी में देखा इतना गर्म पानी आ रहा है जैसे कि गैस पे उबाला होगा, तो मैंने कहा आज ये ठीक है, डब्बे में बन के पानी भर के रख देती हूँ गर्म, तो थोड़ा चिकनाहट इसकी जो हट जाएगी फिर। तो मैंने अभी आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाया, हमारे घर के पास आ गई है सामने, लेकिन धूप चली गई अब ठीक है, ये भी आराम से काम कर लेंगे, इनको भी अच्छा लगेगा। धूप में होता नहीं है काम, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो दिखती नहीं है फिर वो, और ऐसे मौसम में ठीक लगता है काम करना, जल्दी खिंच जाता है काम ऐसा। तो मैंने कहा, और हाँ वैसे शाम को हम पार्क जाते हैं, आज नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि बहुत सारे काम है मेरे वो ख़त्म करने हैं मुझे, और शाम को देखते हैं कि क्या बनेगा, पता चल ही जाएगा। ये देखो बंदर नीचे उतर आया है, और ये कूलर की आवाज़ आ रही होगी, तो शायद पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, कूलर चल रहा है।
चले गए। ऐसे घूमते हैं यहाँ पर बंदर, जैसे कहीं नीका घरों का। और यहाँ पे अब है शाम का टाइम, यानी कि 7 या 7:30 बज रहे होंगे शाम को। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सेम की फली। तो अभी सब्जी वाला आया था तभी ली मैंने, तो मैं समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या लो, घर में सब्जी हो तो आफत, नहीं हो तो भी आफत, कि क्या बनाएं, इनमें से क्या बनाएं, नहीं है तो फिर वो तो है ही नहीं है। चलो तो यहाँ पे मैंने सेम की फली ली है, वही साफ़ कर रही हूँ और इनका इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे लगा कि आ गए थे ये, लेकिन नहीं आए थे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले सब्जी छौंक देते हैं, उसके बाद आटा वाटा लगा के रखेंगे। और ये कढ़ाई का कलर देख रहे हो कितनी काली हो रही है ना, ये सिल्वर की कढ़ाई है ये। इसको साफ़ करने का तरीका बताना मुझे, अगर आपको पक्का पता हो, आप लोगों ने किसी ने यूज किया हो या की हो कढ़ाई साफ़ और हो गई हो और मेहनत कम लगे, तो ऐसी कोई ट्रिक बताना मुझे बस, तो मैं उसे ज़रूर आजमाऊँगी, बस मेहनत कम लगे। तो एक कढ़ाई मैंने साफ़ की थी, इससे बड़ी वाली जो थी, इतनी मेहनत लगी, इतनी मैंने उसमें घिसाई की, इतना रगड़ा, फिर भी पूरी क्लीन नहीं हुई। साफ़ तो हो गई, लेकिन जैसे होना चाहिए था ना एकदम साफ़, वैसे तो बिल्कुल नहीं हुई वो। अब फिर मेरा इसका करने का ही मन नहीं किया, यार इतनी मेहनत करो वो भी होती नहीं है। ऐसा मन करता है कि इसको रिटायर करके नई ले आऊँ मैं, तो कहते हैं ना इसे बेच कर थोड़ी पैसे और पुजा कर नई मिल जाएगी। तो सोच तो कुछ ऐसे ही रही थी मैं, और वैसे तो ये सोच रही अगर कोई अच्छा तरीका हो साफ़ करने का, कम मेहनत वाला, तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि चलो साफ़ भी कर लेंगे। तो मैंने इधर सब्ज़ी छौंकती है और थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी करके रख दिए मैंने साफ़। और ये डिब्बा मैंने धो दिया था बड़ा वाला, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मतलब गंदा हो गया था, अचार का डिब्बा था ये, तो गर्म पानी का इंतज़ार कर रही थी। तो टंकी में इतना गर्म पानी था, ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने कहा चलो इसी में से निकाल लेते, साफ भी हो गया था वो, अब कुछ ना कुछ रखने के काम में ही आ जाएगा। वैसे तो ये है कि घर गृहस्थी में किचन में जितने बर्तन जितने डिब्बे हो ना वो भी कम पड़ जाते हैं, और वो हिसाब मेरा भी यही है। तो मतलब आटा वाटा लगा के रख दूँगी, और आटा लगाने के बाद ये है थोड़ा सा मतलब खीरा वगैरह काट के रख दूँगी सलाद के लिए। अभी तो फ़िलहाल खीरे सस्ते भी है तो कहीं महंगे भी है, वैसे देखा जाए तो हर सब्ज़ी महंगी है, कोई भी सब्ज़ी सस्ती नहीं है। और ये परोथन वाला डिब्बा था, ये मैंने इसको साफ़ कर दिया और परोथन निकालना ही भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी लगे हाथ निकाल ले रही हूँ। थोड़ा सा निकाला भी हाल फिलहाल के लिए, फिर बाद में जब करूँगी ना दोबारा से तब मैं दोबारा निकाल लूँगी। और ये डिब्बा साफ़ करके रख दिया है मैंने। नकोल पापा तो पूछ के रोटी भी नहीं देखो, एक भी नहीं खाएंगे, कि खाएंगे या खा दी, ठीक है बताओ, एक भी रोटी नहीं खा रहे हैं। पहले ही मुझे फोन करके मना कर देते कि रोटी मत बनाइए मेरे लिए, तो फिर नहीं बनाती मैं कुछ भी, हमारा तो काम चल ही जाता, जैसे कि राजमा चावल रखे हैं वैसे। तो अभी बाहर से खाया है, आज जयंती थी 14 अप्रैल है, कौन सी जयंती मुझे नहीं पता, तो बस वहीं पर खाना खा पी कर भंडारा वगैरह जो होता है वही खा पी के आ गए। ऊपर से घर पे आके और बता रहे थे क्या क्या सामान था, मैंने क्या फालतू ना बोलो, तुम चुप रहो बस, आप फिर लेकर भी नहीं आए और बता और रहे ऊपर से कि ये सामान था, मैंने कहा छोड़ो। पर लेकिन बच्चों के लिए फ्रूटी वगैरह भी बट रही थी, वो ले आए थे बच्चों के लिए फ्रूटी और जूस वगैरह था वो लेकर आए हैं। तो मैंने कहा आटा लगाया है, सब्जी बनी है, तो 4-6 रोटी अपने लिए सेक लूँ, बच्चों के लिए सेक लेती हूँ, ज़्यादा नहीं सेक हुई क्योंकि आटा रख दूँगा उठा कर। फिर यही वाला आटा जो है ना कल सुबह काम में आ जाएगा, जब हम पार्क जाएंगे, मैं पार्क जाऊँगी सुबह, मछलियों के डालने के लिए काम में आ जाएगा, याद आया मुझे भी। काफ़ी ये 5 रोटी बहुत है बस, मैं केशव और के लिए। तो इन्होंने तो खाना खाया नहीं, मैंने तो भाई खा पी लिया, फ्री हो गई मैं, बर्तन वगैरह साफ भी कर दिए हैं, बस किचन रह गई है, इसको भी जल्दी से समेट देती हूँ। और बाहर चल रहा है काम, वही
सड़क का, तो थोड़ी आवाज़ें आ रही होंगी, उसे करना इग्नोर। और यहाँ पर जो है गैस वगैरह साफ़ कर दी है, तो बस मेरा काम हो गया ख़त्म। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आज का ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और मेरे वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे डेली रूटीन जो है आपको मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन। तो चलिए फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।